संसार में सांपों की कुल 2500 से भी अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से लगभग 500 प्रजातियां ही जहरीली होती हैं। कुछ सांपों का जहर इतना खतरनाक होता है कि इंसान कुछ ही मिनटों में मर सकता है। वहीं ज़्यादातर सांप जहरीले नहीं होते, लेकिन फिर भी इनके काट लेने पर दहशत और हार्ट अटैक से लोगों की मौत हो सकती है। तो आइए आज के इस वीडियो में देखते हैं वो 10 सांप जो दुनिया में सबसे जहरीले और ख़तरनाक माने जाते हैं। नंबर 10, ताइपन। ये मूल रूप से ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला दूसरा सबसे जहरीला सांप है। इसका रंग अफ्रीका के ब्लैक माम्बा की तरह होता है। इसमें पाया जाने वाला न्यूरोटॉक्सिक जहर बहुत ही खतरनाक होता है। यह इतना खतरनाक होता है कि इसके एक बार में छोड़े गए जहर की मात्रा से कम 12,000 सूअर मर सकते हैं। नंबर 9, ब्लैक माम्बा। ब्लैक माम्बा अफ्रीका में पाया जाने वाला सबसे तेज, लंबा और जहरीला सांप माना जाता है। इसकी लंबाई लगभग 14 फीट होती है और यह 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाग सकता है। यह सांप इतना आक्रामक होता है कि कुछ ही सेकंड में यह कई बार काट सकता है। इसके काटने पर 15 मिनट से लेकर 3 घंटे के अंदर इंसान की मौत हो जाती है। इसका एंटी वेनम बनने से पहले इसका काटा हुआ कोई भी जीव बच नहीं पाता था। नंबर 8, टाइगर स्नेक। टाइगर सांप ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला बहुत ही विषैला सांप होता है। इसमें न्यूरोटॉक्सिक जहर पाया जाता है। टाइगर सांप इंसानों के लिए ज़्यादा खतरनाक नहीं होते हैं, क्योंकि इंसानों को देखकर या भाग जाते हैं। टाइगर स्नेक इंसानों को तभी काटता है जब उसको भागने की जगह न मिले। नंबर 7, फिलिपीनी कोबरा। फिलीपींस के उत्तरी भागों में पाया जाने वाला यह सबसे खतरनाक सांप है। फिलिपीनी कोबरा कोबरा की अन्य प्रजातियों से कई गुना ज़्यादा जहरीला और ख़तरनाक होता है। यह अपने शिकार को 3 मीटर की दूरी से लपक कर काट सकता है। यह इतना खतरनाक होता है कि इसके काट लेने के बाद इंसान की मौत 30 मिनट के अंदर हो सकती है। नंबर 6, साइस्केल्ड वाइपर। वैसे तो वाइपर सांप लगभग पूरे संसार में पाए जाते हैं और यह धरती पर पाए जाने वाले सबसे जहरीले और ख़तरनाक सांपों में से एक हैं। लेकिन वाइपर की सबसे जहरीली प्रजाति साइस्केल्ड वाइपर भारत, चीन और साउथ ईस्ट एशिया में पाए जाते हैं। यह सांप लंबाई में तो छोटा होता है, लेकिन आक्रामकता, गुस्सा और घातक जहर इसे बहुत ही खतरनाक बना देता है। भारत में इसके काटने से लगभग हर साल 5,000 लोगों की मौत हो जाती है। नंबर 5, डेथ एडर। डेथ एडर ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी में पाया जाने वाला बहुत ही खतरनाक सांप है। डेथ एडर सांप बहुत ही तेजी से हमला करता है। यह सांप एक बार के काटने पर लगभग 40 से 100 मिलीग्राम तक जहर शिकार के शरीर में छोड़ देता है, जिससे कि शिकार की मौत 6 घंटे से भी कम समय में हो जाती है। नंबर 4, रैटल स्नेक। रैटल स्नेक उत्तरी अमेरिका में पाया जाने वाला सबसे खतरनाक और जहरीला सांप है। यह सांप पूंछ पर बने छल्लों के कारण आसानी से पहचाना जा सकता है। इस सांप की विशेष बात यह है कि इसके छोटे बच्चे बड़े सांपों से ज़्यादा जहरीले और ख़तरनाक होते हैं। रैटल सांप के काटने के 10 मिनट के अंदर एंटीडोट ले लेने से बचने के चांस कुछ हद तक होते हैं। नंबर 3, ईस्टर्न ब्राउन स्नेक। ईस्टर्न ब्राउन स्नेक ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला सबसे जहरीला और ख़तरनाक सांप होता है। ईस्टर्न ब्राउन स्नेक का जहर इतना खतरनाक होता है कि इसके जहर का 1,400वां हिस्सा भी किसी इंसान को मौत के घाट उतार सकता है। यह सांप ऑस्ट्रेलिया के भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ज़्यादा पाया जाता है। नंबर 2, इनलैंड ताइपन। इनलैंड ताइपन धरती में पाए जाने वाले सभी सांपों में सबसे जहरीला और ख़तरनाक सांप माना जाता है। यह एक बार के काटने पर कम से कम 110 मिलीग्राम जहर शिकार के शरीर में छोड़ देता है। इसके इतने जहर से लगभग 100 इंसान और लगभग 2.5 लाख चूहे तक मर सकते हैं। इसके खतरनाक होने का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसका जहर रैटल स्नेक से 10 गुना और लगभग सामान्य कोबरा सांपों से 50 गुना ज़्यादा जहरीला होता है। फिलहाल ये भीड़ भाड़ से दूर रहना पसंद करते हैं, इसलिए इंसानों को काटने का कोई भी मामला अभी तक सामने नहीं आया है। तो आइए बढ़ते हैं अपनी लिस्ट के नंबर 1, यानी कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे खतरनाक सांप की ओर। नंबर 1, बेलकर्स सी स्नेक। दुनिया का सबसे जहरीला समुद्री सांप साउथ ईस्ट एशिया और नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। यह सांप इतने ज़्यादा खतरनाक और जहरीले होते हैं कि इसके 110 मिलीग्राम जहर से लगभग 1,000 इंसानों को मारा जा सकता है।
वैसे यह सांप समुद्र में पाए जाते हैं, इस वजह से इंसानों को इनसे कम ही खतरा होता है। लेकिन मछली पकड़ते वक्त मछुआरे जरूर कभी कभार इनका शिकार बन जाते हैं। तो मेरे दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको आज का यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।